सेकंड करने जी जा रही जा रही वो मैं ज्ञान तुमिराम दस्य ज्ञानांजन सलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय स्तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय पर बेटी को बुलाता है समय टाइम होता क्या अभी शावर फिर जाए महाराज ज्ञान नहीं किया नहीं नहीं हरे हरे कृष्णा If you have some time, you can sit down and listen to Hari Katha. Okay. Let's go. Panchakalpurvasya kripa sindhu bhavasya Tattanam bhavanibho vishnalabho namah Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Radha Shiva Sadhi Gauru Bhakta Vrinda Hari Krishna Hari Krishna 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 Hari Hari हरे राम 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 हरे हरे सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोदर्शित श्री 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 मधुभक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोदर्शित श्री श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को तथा जो प्रणाम हरे कृष्ण। तद ये जो ग्रंथ है श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद का उपदेशामृत है। तद ये प्रभुपाद कौन है बोले ये राधा रानी का नयन मणि मंजरी। नयन मतलब आंखें हैं, मणि मतलब उसका अंदर में जो पुतला है। ये श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद मतलब राधा रानी इनको आदेश देती है बोले नयन मणि मंजरी देखो जगत में ये जीव कितने दुख कष्ट को भोग कर रहे हैं, इसलिए तुम जाओ ये जीवों को उधार करके ले आओ। बोले अकेले मत जाओ, तुम अपना परिकरों को लेकर के जाओ। जैसे श्री महाप्रभु जगत में जब आए वो अकेले नहीं आए, संपूर्ण अपना परिकरों को लेकर के आए। उसी तरह जब इसी जगत में भगवान आए हैं, ये प्रभुपाद आए हैं, वो पूरा अपना भक्तों को परिकरों को लेकर के आए हैं। इसलिए प्रभुपाद आए कि इसलिए हम बद्ध जीव जैसे संसार के माया में पड़ करके दुख कष्ट को भोग कर रहे हैं, ये दुख कष्ट से हमें निकालने के लिए ही यहाँ पर आए हैं। इसलिए अगर ये इनका जो उपदेशामृत को अगर हम पढ़ेंगे क्या होगा, फिर हम अपना घर में वापस जा सकते हैं, अपना घर में हम वापस चले जाएंगे। इसलिए आज दो प्रश्न दो उत्तर सुनेंगे, ठीक है। पहला प्रश्न है भगवान किसकी वस्तु को ग्रहण करते हैं। भगवान को हम बहुत सारी चीज देते हैं, भोग लगाते हैं, लड्डू कचौड़ी मालपुआ और तरह तरह का अन्न व्यंजन भगवान को भोग लगाते हैं। प्रश्न है क्या भगवान सबका वस्तु ग्रहण करते हैं? इसलिए ठाकुर जी किसके वस्तु को ग्रहण करते हैं? किसने प्रश्न किया? प्रभुपाद ने कहा जिन भगवान के डाकिया खावाते पारे ताहरा द्रव्य भगवान खाए। इसका मतलब है जो भगवान को बुला करके खिला सकते हैं भगवान उसकी वस्तु को ही ग्रहण करते हैं। ताकि डाकते ही जे सकले पारे ना सुतराम खाए वह की करे। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं उनको सभी नहीं बुला सकते हैं, हैं? इसलिए जो बुला सकते हैं अगर वो बुलाए फिर तो भगवान उसका वस्तु ग्रहण करते हैं, लेकिन भगवान को सभी बुला नहीं सकते हैं। लेकिन उनको कौन बुला सकते हैं? कहते कौन अभक्त पंडित भगवान के भोग दिले हो भगवान तार मंत्र पुत वृद्धस्त नैवेद्य ग्रहण करे ना। भले हम जितने बड़े विद्वान क्यों नहीं हो, हाँ विद्वान क्यों नहीं हो, इसलिए अगर हम सोचेंगे भगवान को देने पर मंत्र पढ़ करके देने पर ठाकुर जी ग्रहण करेंगे, ऐसे नहीं। भले तुम जितने बड़े पंडित क्यों नहीं हो, जितने मंत्र तुमको पता क्यों नहीं हो, जो कुछ क्यों नहीं हो, लेकिन भगवान सभी की वस्तु ग्रहण नहीं करते हैं। तार प्रदत्त आपात आतप तंडुले पाचित कृतयुक्त अन्न नानाविध व्यंजन प्रवृत्ति भगवान प्रति आकर्षण करते पारे ना। इसलिए अगर हम सोचेंगे बहुत बढ़िया बढ़िया चीज
हैं, अन्न में घी डाल करके, रोटी में घी लगा करके, शाही पनीर बना करके, मटर पनीर बना करके, कढ़ी चावल, राजमा चावल और बढ़िया 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 चीज बना करके हम भगवान को खिलाएंगे ना, भगवान खा लेंगे, ठाकुर जी खा लेंगे। लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं, कहते जितने भी ऊपर से दिखाई पड़ता है बहुत तरह तरह का अन्न व्यंजन हम अर्पण कर रहे हैं, हैं? कहते नाना विध व्यंजन प्रवृत्ति भगवान के प्रति आकर्षण करते पारे ना, लेकिन ये सब वस्तु भगवान को आकर्षण नहीं कर सकता है। बोले किंतु कौन आकर्षण कर सकता है, किंतु भगवत सेवन भिक्षु खेर जे कौन रूप अन्न जे कौन प्रकार भगवान का प्रतिभाव ग्रहण करे। इसलिए यहाँ पर कहते हैं अगर जिसकी भावना भगवान के प्रति, जिसको प्रति, जिसकी भगवत उन्मुख सेवा की प्रति प्रति भावना है, भले ही वो गरीब व्यक्ति क्यों नहीं हो, हैं? गरीब व्यक्ति क्यों नहीं हो और उसका वस्तु इतने बढ़िया भी नहीं हो, साधारण रूप में इसका वस्तु हो, लेकिन भगवान के प्रति उनकी भावना है, भक्ति है, कहते भगवान उसकी वस्तु ही भगवान ग्रहण करते हैं, भगवान को देने पर ही भगवान ग्रहण करेंगे, ऐसे कोई बात नहीं, बढ़िया बढ़िया जितने चीज नहीं हो। इसका उदाहरण है, कहते हैं ना, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन की मेवा त्यागे, साग भी दूर घरे खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। इले दुर्योधन भगवान कृष्ण के लिए इतने अन्न व्यंजन उन्होंने बना बना के रखा था, भले वो वृंदावन में रहता है, ग्वाला गैया को पीछे पीछे डोलता रहता है, बात उसको मैं क्या करूंगा, बढ़िया बढ़िया खाना बना करके खिला कर ना उसको हाथ का कब्जा कर दूंगा, हाथ का मुट्ठी कर दूंगा। इसलिए जब कृष्ण आए बोले देखो पांडवों को ज्यादा कुछ जरूरत नहीं, 5 गांव दे दो और तुम सारे राज ऐश्वर्य तुम भोग कर। दुर्योधन क्या बोले, बोले 5 गांव, बोले बगैर युद्ध के सुई के नोक के बराबर भी राज्य देने के लिए मैं रेडी नहीं, तुम तो क्या कह रहे हो, 5 गांव दे दो हैं इतने में। बोले कृष्ण इसको बात रखो, पहले भोजन कर लो हैं, उसको बाद में बात करेंगे। बोले क्यों, भोजन ऐसे की चीज है ना, हैं? अगर किसी कुत्ते को एक टुकड़े रोटी कभी दे दो ना, वो कभी आप भूलेगा नहीं, वो भूलेगा नहीं। अगर भोजन ऐसे की चीज, किसको कोई चीज बढ़िया चीज उसको बैठा कर खिला दो, बढ़िया से खुश हो जाए, जैसे दुर्वासा जी बढ़िया बढ़िया दुर्योधन खिला देता है, खिला कर भूसे उदा करना चाहते हैं। इसलिए जो खाने का जो चीज है ना, ऐसे की चीज है, किसी एक बार खिला दो ना, पेट भर कर बढ़िया खुश करके, फिर बुद्धि बदल जाती है, जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन। इसलिए सोच रहा था कृष्ण बढ़िया बढ़िया खिला देंगे, बस कृष्ण खुश हो जाएगा। इसलिए बोले कृष्ण अभी इसको बात रखो, पहले तेरे लिए स्पेशल मैंने कुकर को बुला करके मैंने बढ़िया सुंदर सुंदर मैंने कुकिंग किया, बढ़िया बढ़िया अन्न व्यंजन छापान भोग बनाया, पहले तू खा ले इसको, बाद में बैठ कर बात करेंगे। कृष्ण बोले देखो 3 जगह पर लोग खाते हैं, कहाँ कहाँ खाते हैं, पहला नंबर है अगर किसी को भूख लगे भोजन करते हैं, लेकिन मेरे को तो भूख लगता ही नहीं, आत्मा राम और आप तो कहा मतलब स्वयं आत्मा में रमण करने वाले मैं परिपूर्ण हूँ। कहते ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णमेवावशिष्यते, थे हमें संपूर्ण पूर्ण हूँ, मेरे को भूख प्यास में अतीत हूँ, इसलिए भूख है ही नहीं। दूसरी चीज है जो काम के लिए आप गए हो, अगर वो काम बन जाता है ना जी, फिर हम खुश हो जाते हैं, भैया जो काम के लिए आए काम बन गया, चलो हम भोजन कर लेते, लेकिन जो काम के लिए आए हमारे काम बनाए नहीं। तीसरा जगह पर कहाँ भोजन करते हैं, कहते अगर कोई मित्र हो, बंधु हो, बंधु बैठो और भोजन करो, उसको प्रेम में आकर खा लेते हैं। बोले किसने किया, तुम मेरे बंधु नहीं, बोले नहीं, बोले क्यों, कहते मेरे जो भक्तों का जो बंधु है ना वो मेरे बंधु है, और मेरे भक्तों का जो शत्रु वो मेरे शत्रु, पांडव मेरे बंधु है,
हैं, इसलिए उसके तुम शत्रु हो, इसलिए तुम मेरे शत्रु हो। दुर्योधन ने कहा तुमने पहले क्यों नहीं बोला खाऊंगा नहीं, तेरे लिए जो इतना बढ़िया बढ़िया मैंने भोजन बनाया, नहीं खाओगे ना बंदी कर दूंगा तुमको। हैं बोले मेरे को बंदी करोगे और क्या, पकड़े उसको, सैन्य को बुलाया। इतने में कृष्ण विराट रूप दिखाया, हैं विराट रूप दिखाया कृष्ण, विराट रूप को देख करके एकदम चकाचौंध हो गया, हैं चकाचौंध हो गया। अरे बोले कहीं तो खाओगे, बोले खा लूंगा कहीं। बास गए विदुर जी को घर में, और वहां विदुर नहीं थी, विदुरानी थी, भगवान को देख करके बोले मेरे जैसे घर में, हाँ गरीब घर में भगवान आज आए, हाँ हमारे शूद्र घर में भगवान आए, इसलिए कहाँ बैठाएगा क्या करेगा सोच नहीं पा रहा है। फिर उनने भगवान किसी तरह से आसन देकर बैठाए, कुछ घर में तो कुछ थी नहीं, केला थी, केले का छिलका खिला रहे थे और केले को फेंक रहे थे। इतने में विदुर जी आए, बोले पागली तू क्या कर रहे हो, भगवान को केले का छिलका खिला रहे हो। उसको तो होश आया, उसको भूल गई थी। फिर उनने केला खिलाया, कृष्ण ने कहा विदुर केले के छिलका में जो स्वाद आ रहा था ना, अभी केले में वो स्वाद नहीं आ रहा है, मैं केला भी नहीं खाता, केले का छिलका भी नहीं खाता, मैं तो केवल प्रेम ही भोजन करता हूँ, मैं केवल प्रेम ही भोजन करता हूँ। फिर तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं भले ही जितने सुंदर सुंदर अन्न घी चुकता अन्न क्यों नहीं हो, अगर हृदय में प्रेम नहीं हो तो भगवान उसको ग्रहण नहीं करते। लेकिन भले ही तुम्हारी वस्तु इतने बढ़िया नहीं हो, लेकिन उसमें प्रेम है ना, उसमें प्रेम है ना, भगवान वो वस्तु को ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं, इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं मतलब पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्त्या प्रजछति तद अहम भक्त उपहृत स्नामी प्रजता। अगर मेरे को भक्त हैं भक्ति पूर्वक, उन्होंने जो चार चीज का नाम लिया है ना, कोई कोई सोचते है ना भगवान को खिलाने के लिए बहुत कोई कीमती चीज होनी चाहिए तब तो भगवान खाएंगे। यहाँ पर कृष्ण कहते नहीं, मेरे को खुश करने के लिए कोई कीमती चीज की जरूरत नहीं, प्रेम की जरूरत है। इसलिए कृष्ण ने चार चीज का नाम लिया है जो बिना पैसा में जो मिल जाए, बिना पैसा में मिलेगा। बोले क्या क्या है, बोले पत्रम, अगर कोई पता दे दे उससे भी खुश हो जाता है। बोले पता किसने दिया है, कभी विदुर ने दिया है, कहीं बताते हैं कभी केले का छिलका खिलाए, कहीं भगवान को साग भाजी खिलाए, हैं साग भाजी खिलाए। पत्रम बोले पुष्पम, पुष्पम किसने दिया है, पुष्पम कहते पुष्पम दिया है हाथी ने, जब उसको मगरमच्छ पकड़ करके खेच करके ले जा रहा था पानी के अंदर में, इतने में भगवान को क्या दे, बस एक फूल लेकर के ठाकुर जी को केवल एक फूल अर्पण कर दिया। अर्पण करते ही बस भगवान नारा केवल दो अक्षर उच्चारण किए, अभी यण नहीं बोले, इतने में भगवान कृष्ण उनको चक्र को भेज करके उन्होंने मगरमच्छ को काट दिया। पत्रम पुष्पम बोले फलम, कहते फल किसने दिया है, बोले सबरी ने दिए है, इसलिए कहते बहुविध स्वाद बताई सबसे ऊंची प्रेम सगाई, झूठे बे सबरी के खाए। इसलिए भगवान जो चक चक कर दे रही थी, मीठा फल हो तो खिला रही थी, अगर कड़वा हो तो उसको फेंक रही थी। भगवान बड़ी खुश होकर खा रहे थे, बोले सबरी तुम्हारी आज झूठे बेर में जो स्वाद आ रहा है ना, वैकुंठ में मेरे को लक्ष्मिया कितने तरह का अन्न व्यंजन देते हैं, उसमें ये आनंद नहीं आता, आज तुम्हारी झूठे बेर में जो आनंद आया है। इसलिए पत्रम पुष्पम फलम बोले त्वयम, त्वयम मतलब होता है पानी है, कहते पानी में कौन संतुष्ट हो, कहते पानी में कहते श्री भगवान चैतन्य महाप्रभु है। इसलिए अद्वैत आचार्य जी ने देखा जगत का दुर्दशा को देखा, कोई भी प्रभु का भक्ति नहीं कर रहे हैं, कोई भजन नहीं कर रहे हैं, सब विषय में रमे हुए हैं, सब विषय में रमे हुए, भले इनका कल्याण कैसे होगा, इनका उद्धार कैसे होगा। तो उन्होंने शास्त्र को ढूंढते ढूंढते देखा, बोले तुलसी दल मात्रेण
भगवान कहते हैं अगर एक गंडूस कोई गंगा पानी ले उसमें एक तुलसी दल दे, अगर मेरे को अर्पण कोई अगर करता है भगवान कहते हैं उसको ऋणी में मैं इतने ऋणी बन जाता हूँ और ऋणी से मुक्त होने के लिए मैं सर्प खुजलाने लग जाता हूँ। सर्प खुजलाते बहुत ज्यादा ऋणी हो जाए ना, कैसे करे क्या करे, ऋणी को कैसे चुकाए, सर्प खुजलाते। इसलिए भगवान कहते गंदा पानी और तुलसी दल से मैं जितने संतुष्ट हो जाता हूँ और किससे संतुष्ट नहीं होता हूँ। इसलिए लेकिन ये जो चार चीज का नाम लिया है ना, जो बिना पैसा में मिलते जिसको खर्च जिसको देने के लिए कोई जरूरत नहीं, कोई नहीं, पैसा नहीं जरूरत नहीं है। अब लोग तो कहाँ से आए, सूर्य नाम से फिजी से आए, हाँ फिजी से आए। अब देना गांव में पत्रम कहीं जा रहे हो कहीं पे, देखना बगीचा में पहले अपनी आप साग सब्जी होता था हमारे गाँव में ना, जैसे बाहर जंगल में जाते थे साग सब्जी लाए बना कर खा लिया। पत्रम मतलब पुष्पम का पत्र मतलब तुलसी पत्ता, कई पेड़ कई तुलसी का पेड़ हो पत्ता ले आया ठाकुर को दे, देखो पत्रम पुष्पम। देखो ना गांव में अपने आप कोई पेड़ नहीं लगाते, तो फूल का पेड़ कोई नहीं लगाते, अपने आप गांव में फूल होता था, गए पेड़ से फूल लाए ठाकुर को दे दिया पुष्पम। फलम पहले तो इतना फल होता था बगीचा में खाने के लिए, लेको नहीं होते थे, नहीं होते थे। हमने तो अपना गाँव में देखा, अपना बगीचा में देखा, पेड़ में नारियल पक गया अपने आप गिर रहा है तोड़ने वाले पेड़, केले का कहीं केले पेड़ में कहीं केले पक गया चिड़िया खा रहे, पता नहीं चला कहीं पेड़ में कहीं केले का पेड़ में कहीं केला चिड़िया खा रहे, पता नहीं कहीं पक गया पेड़ का फल अपने आप गिर जाता था। इसलिए पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तोयम मतलब पानी, अभी तो पानी खरीदी करते, पहले कोई पानी खरीद नहीं करते थे गाँव में कोई नहीं। अगर हम जब पहले देखा पानी दिल्ली से कोई आए पानी पानी खरीद करके पी रहे हैं, पानी खरीद करके पीते हैं। इसलिए यदि ये जो बिना पैसा में जो मिल जाती है, हैं बिना पैसा में जो मिल जाती है, भगवान कह रहे हैं मेरे को खुश करने के लिए बहुमूल्य कोई द्रव्य दे तभी मैं खुश होऊंगा, ऐसे नहीं प्रेम से कोई वस्तु भी हमें दे दे मैं उसमें खुश हो जाता हूँ, मैं खुश हो जाता हूँ। इसलिए यहाँ पर कहते हैं भगवान किसके द्रव्य ग्रहण करते हैं, भगवान भक्तों का द्रव्य ग्रहण करते हैं। इसलिए चैतन्य भागवत में बताए बोले भक्तर द्रव्य प्रभु काढ़ी काढ़ी खाए, अभक्तर द्रव्य प्रभु उलट ना चाहे। जो भक्त है ना नहीं देने पर भी भगवान उसके वस्तु को ना जोर जबरदस्ती लेते हैं, लेकिन अभक्त अगर हो उसको तरफ में पलट करके भी उसको तरफ में नहीं देते। इसलिए उदाहरण देते हैं श्रीधर महाप्रभु का एक भक्त थे श्रीधर, अत्यंत गरीब है, इसलिए हाट में बैठ करके केले केले के पत्ते केले के फूल केले की जो बीच में डंठल सा होता है वो चीज, केले का कोई चीज फेंकने का चीज नहीं, हर चीज केले का करते बिकते थे और बेच करके और जिन लोग भी जैसे बाजार में बैठे करके यही चीज बेचते थे। महाप्रभु है ना किसको पास में नहीं जाते थे, इसको ही पास में जाते थे, श्रीधर को पास में जाते थे, जा करके बोलते थे श्रीधर कोई पैसा नहीं दूंगा बिना पैसा में, और तेरे पास में जो बढ़िया चीज हो ना वही लूंगा। श्रीधर कहता था प्रभु मैं गरीबी आदमी है, इससे जो पैसा मिलता है आधा पैसा तो गंगा पूजा में लगाता हूँ और आधा पैसा में परिवार को मेंटेनेंस करता हूँ। महाप्रभु कहते थे गंगा आधा पैसा गंगा, गंगा तो मेरी दासी है, हैं गंगा मेरी दासी है क्योंकि भगवान की चरण से निकली। ले तू ऐसे क्यों अभिमान कर रहे हो, उसको पता नहीं तो भगवान ही है ना, वो सोच रहे थे साधारण कोई बालक है, बोला अरे राम 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 तुम अपराध कर रहे हो, गंगा भगवान के चरणामृत है और उनको कह रहे हो तुम्हारी दासी, तुम दंड सा हो रहे हो, खबरदार ऐसे मत कहा करो। तब महाप्रभु बोलते थे तेरे चीज लूंगा, बोले भैया रोज रोज क्यों मेरे साथ में लड़ते हो, फिर बढ़िया चीज लेगा बिना पैसा दे करके, भैया यहाँ पर और बहुत सारे लोग बैठे उनको पास में जाया करो, तुम रोज क्यों मेरे पास में लड़ते हो, बोले लूंगा तो तेरे से लूंगा और किससे नहीं लूंगा।
और बिना पैसा मिलूंगा बढ़िया चीज लूंगा, है बढ़िया चीज लूंगा। महापुरुष तो देखने में बड़े हट्टे कट्टे लंबे छे, बोले इसको साथ में तो लड़ ही नहीं सकता हूँ, लड़ ही नहीं सकता भैया, ले तू लेकर के जा तू, अपना जान को छूटा तू जा तू। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कला मचा बेतिया श्रीधर पाइल जा कोटीश्वरे कोटि कल्पे ना पाए पिता, मतलब है केले केले का फूल और इसकी पत्ते को बेच करके श्रीधर को जो चीज मिला, बोले कोटीश्वरे कोटि जन्म में जो करोड़पति करोड़ जन्म भी वो चीज को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जब महाप्रभु विष्णु की खटिया को बैठ करके सब भक्तों को बुला बुला करके उन जो मांगते थे वही वरदान देते थे, और अपना जो जैसे भक्त थे उसको वैसे रूप दिखाया था, जो नृसिंह देव को पूजा करते नृसिंह रूप दर्शन कराया, जो राम की पूजा करते थे उनको राम पूजा रूप दिखाया, जो कृष्ण पूजा करते थे कृष्ण रूप दिखाया उनको, यहाँ दिखाया दिखा करके भगवान सबको आशीर्वाद दिया, ठाकुर जी सबका आशीर्वाद दिया। इसलिए यहाँ पर कह रही श्रीधर है, श्रीधर से महाप्रभु जब घर घर में जा रहे थे भक्तों को लेकर के, जब इनके घर में थे गए, पहले तो गांव होता था, अब भी गांव में रहे, वहां पर हर चीज दुर्लभ होता था, इनके पास में कोई लोटा बढ़िया लोटा नहीं था पानी पीने के लिए, लेकिन एक लोहे का लोटा था इनके पास में, वो भी छिद्र है जिसमें छेद है, लेकिन महाप्रभु इसकी जो लोटे में महाप्रभु ने पानी पिया, महाप्रभु हम पानी पिया, बोले क्यों, जो कि लक्ष्मीपति है, जो लक्ष्मीपति है, लेकिन आज लोहे की लोटे में जिसमें छेद है और उसको पानी लेकर के महाप्रभु उसको पी रहे हैं। जो महाप्रभु जब सन्यासी ग्रहण किए, सन्यासी ग्रहण से पहले उन्होंने एक उनको लाभ देकर गए, लोकी देकर गए, और मैया सच्ची मैया ने इसमें लकलकी बनाई, लकलकी मतलब है जैसे जैसे लाव है ना लौकी की, इसमें सब्जी बनाते हैं, सब्जी में उसमें एक होता है इसमें बनता है इसमें दूध डालकर के भी एक लाव बनती है, और एक बनती है घिया कस में उसको कस करके और उसको घी में भून करके और दूध गर्म करके उसमें छोड़ देते हैं जी, उसमें एक खीर भी बनती है, खाए कि नहीं, हाँ जी खाए, इसलिए खीर भी बनती है। और उधर तो लौकी का बड़े सुंदर हलवा बनाते, उसके अंदर में काजू किशमिश और उसमें मेवा डाल करके और उसमें राबड़ी डाल करके ना, हाँ खोया डाल करके बड़ी सुंदर चीज बनती है। इसलिए महाप्रभु ने उनका संन्यास लेने से पहले महाप्रभु इनकी वस्तु को ग्रहण करके महाप्रभु फिर संन्यास ग्रहण करते हैं, संन्यास लेकर जाते हैं, क्यों इसके वस्तु ग्रहण किए, बोले भक्त भक्त जो भगवान को प्रेम से कोई चीज देता है ठाकुर जी को प्रेम चीज को बड़े प्रेम पूर्वक ग्रहण करते हैं। जैसे अलारनाथ पुरी गए कि नहीं, अलारनाथ गए, हाँ अलारनाथ में क्या हुआ, उसको पिताजी अलारनाथ को पूजा करते थे, अब उसको कुछ दिन के लिए कहीं बाहर जाना पड़ा, तो उसको पत्नी को बोल दिया, बोले तुम ठाकुर को भोग लगा दीजिए, बोले ठीक है, घर में बन गया है दाल सब्जी चावल सब बन गया। जब बन गया इतने में माता जी ना अपने बेटे बोले बेटा जा ठाकुर को भोग लगा दे, घर को ठाकुर के सामने धर देना, तुलसी पत्ता दे करके ठाकुर को धर देना और थोड़ी देर बाद में ले आते हैं। लेकिन जब उसको बेटे को बोले तुम जा दे करके आओ, तो छोटा बेटा था उसको पता तो कभी भोग लगाया नहीं कहीं जिंदगी में, सोचा होगा ठाकुर बैठ करके जैसे हम भोजन करते हैं ठाकुर भोजन करते हैं, इसलिए उन्होंने ठाकुर जी को सामने रखा, ठाकुर को सामने रख करके बोले ठाकुर जी आओ बैठो भोजन करो, देखा ठाकुर जी भोजन नहीं करे, बोले क्या आप मेरे पर नाराज हो, आओ बैठो भोजन करो, पिताजी के हाथ में तो आप रोज खाते थे, मेरे हाथ में क्यों नहीं खाते, वो सोच रहे थे जैसे हम खाएंगे इसे ठाकुर आगे बैठ कर खाएंगे, पीढ़ी लगा दिया और प्लेट रख दिया, तब भी ठाकुर उतर नहीं रहे, रोने लगे हुए ठाकुर जी पिता नहीं तो नाराज होगी, मैया बोले उनको खिला करके आओ, हैं नाराज हो जाएगी उतर खाओ। जब उन्होंने भक्ति पूर्वक बोले ना, रोते हुए जब उन्होंने बोले ठाकुर जी उतर करके खा लिया, खा लिया दाल चावल सब कुछ ठाकुर खा लिया,
तो अब उन्होंने प्लेट वापस लेकर के आए, वो खाली प्लेट था। बोले बेटा प्रसाद कहाँ है? बोले ठाकुर तो खा लिए। भैया सोच रहे होगा बच्चा है, ठाकुर को लगा छोटे बच्चे होते ना खा लेते हैं, प्लेट में खा लेते हैं, हैं? वो खा लिया होगा। दूसरे दिन भी लगा है, बोले जा भोग लगा कर। दूसरे दिन भी खाली प्लेट, बोले बेटा ये कहाँ भोग कहाँ है? बोले ठाकुर तो खा लिया ना, खा नहीं रहे थे पहले, मैं तो रोने लग गया तो दुखी होकर के ठाकुर खाए। दो चार जो चार दिन जब खाने लग गए, इतने में उसका तो बड़ा आश्चर्य में पड़ेगा, ये क्या बोलता है ठाकुर जी खा लिए। तो उसको पति आए, पति आए तो सारी बात बताई, ये ठाकुर को ले जाता है, मैं तो पहला दिन सोचा खा लिया होगा, रोज रोज प्लेट में ले जाता है दाल चावल सब्जी और खाली प्लेट लाता है, कभी ठाकुर खा लेते हैं। तो उसको पिताजी ने कहा ठीक आज तुम भोग लगाते, सोचा मैं सचमुच से देखता हूँ। वो ठाकुर को पीछे जाकर बैठ गए, छुप कर देखता हूँ। तब बच्चे को बोले जा भोग लगा करेगा। जब भोग लगाए ठाकुर जी ने खाया ना, कहीं नहीं खा रहे ठाकुर जी, खाए नहीं रहे। बच्चा ने कहा प्रभु जी हम तो रोज खाते थे, आज क्यों नहीं खा रहे हो, खाओ ना। बोले बेटा तेरे तेरे सरल स्वभाव को देख करके मैंने भोजन किया था, तेरे भक्ति भाव को, लेकिन तेरे जो पिता है ना जी, मेरे पीछे छुप कर बैठा हुआ है, ठाकुर जी खाते हैं ना सचमुच यही खा लेता है और ये झूठ बोलता है, इसलिए आज मैं नहीं खाना खाऊंगा, आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, तेरे पिता पीछे बैठे हुए। इतने में ठाकुर जी प्रसन्न हो गए बच्चे के ऊपर में, और उसको पिताजी के ऊपर में बर मांगा, आज क्या मांगते हो, तुम्हारे भक्ति में मैं प्रसन्न होकर भोजन किया। उसको पिताजी ने कहा बोले प्रभु बर क्या मांगेंगे, अगर रोज रोज आपको भोग लगा तो अगर आप खा लोगे हम क्या खाएंगे हैं, हम क्या खाएंगे, अगर आप सब कुछ खा लोगे तो हम क्या खाएंगे, भूखे मर जाएंगे हम, इसे ठाकुर जी ऐसे मत खाया करो आप। बोले हे भगवान, लेकिन शास्त्र क्या कहता है, कहते ईसा वास्यम इदम सर्वम जत किंचा जगत जगत तेना त्यक्तन भुंजिता मागृत कल्पना। मतलब है दुनिया में हम जो कुछ देख रहे हैं ये भगवान की दुनिया है, दुनिया को ठाकुर जी ने बनाया, नियम है उनको अर्पण करके वो जो प्रसाद रूप में हमें देते हैं उसको ही हमें स्वीकार करनी चाहिए। हाँ नियम है ही, भगवान बोले मैं खा लेने पर थोड़ा अभाव बढ़ जाएगा, अब तू कहते कह रहे हो अगर आप खाए जाएंगे हम भूखे मर जाएंगे, नियम तो होता है मेरे को दे करके अवशिष्ट रूप में जो प्रसाद को ग्रहण करनी चाहिए है? और कहते तो मैं खाने से कमी हो जाएगा, तुम्हारी ये वंश निर्वंश हो जाएगा, तेरे वंश में कोई दिया में पानी देने के लिए कोई रहे, तेरे कुल में पानी देने के लिए भी कोई नहीं रह जाएगा, तुम्हारे वंश निर्वंश हो जाएगा। अभिशाप दे दिया, अभिशाप दे दिया तो केवल तुम्हारी एक बेटा बच जाएगा, ये मेरा भक्त और कोई नहीं बचेगा। सचमुच से ऐसे करते करते उनका जो वंश है ना निर्वंश हो गया, कोई वंश में रहे नहीं। फिर राजा को ये बात पता चला तो फिर उन्होंने कुछ उनने सेवकों को, एक पुजारी को एक रोसैया को फिर राजा ने भेजा, फिर जो सेवा करते करते उनका वंशधर अभी आ रहे अलरनाथ अलरनाथ। इसलिए यहाँ पर कहते हैं भगवान भक्त का वस्तु कही ठाकुर जी ग्रहण करते हैं और अभक्त वस्तु का प्रभु ठाकुर जी ग्रहण नहीं करते हैं, इसलिए भगवान को प्रेम पूर्वक भक्ति पूर्वक ठाकुर जी को खिलानी चाहिए। ठीक है, निताई गौर हरी हरि को कल सुनेंगे। ये युगांत है ना बहुत अच्छा ग्रंथ है, अभी मैंने उधर भी कथा सुना, अब लोग भी तो सुनाते सुनाया था जी।